हेलो एवरीवन, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप राइज ऑफ द एम्पायर गेम को खेलते हैं तो ये ट्यूटोरियल और ये टिप्स एंड ट्रिक सेक्शन आपके लिए है। और मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है तो थोड़ा एक्सेंट का इशू है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। और ये ट्रिप्स बेसिकली बिगिनर के लिए है जो कि कैसल लेवल 2 या 3 पे है, उन लोगों के लिए ज़्यादा एडवांटेज होगा इसको देख के यूटिलाइज करना, क्योंकि ये मेनली बिगिनर्स के लिए है। और बाकी हायर लेवल्स के लिए मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का राइज ऑफ द एम्पायर का टिप्स एंड ट्रिक्स। तो पहला टिप्स जो है मैं आपको देना चाहूँगा कि आप अपने ड्रैगन लेवल को जितना हो सके आप ज़्यादा कर ले, ताकि आप अपने ड्रैगन का जो पावर है उसको यूज़ कर पाए। तो आप अपने ड्रैगन को, ये जो डियर्स है, डियर्स से आपको भाई का याद आएगा, मेरे को पता है, डियर हंटिंग से मेरे को भी आता है। तो अगर भाई इस गेम को देखेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, लाइक इट्स अ ड्रीम फॉर हिम, आई नो। तो आप थोड़ा डियर को हंट कर लीजिए, मतलब रियल डियर को नहीं, इधर पे डियर को। तो डियर हंटिंग करने के बाद आप इस उस डियर के मीट को ड्रैगन को फिट कर पाओगे। तो वंस आपका ये पावर लेवल फुल हो जाए तो आप इस ड्रैगन का जो स्पेशल पावर अप है उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं उस यूज़ को दिखाऊंगा और इसको क्यों आप ज़्यादा लेवल करोगे उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों आपको ड्रैगन के ऊपर फोकस करना है। तो मैं थोड़ा और डियर्स को हंट कर लूँगा, तो आप ट्राई कीजिएगा जितना हो सके आप डियर्स को हंट करें। तो मैं अभी 2 हो गया और 2 होने से मेरा ऑलमोस्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी, अभी 2 हो गया तो मेरा ड्रैगन रेडी है। सो आफ्टर मैं किया तो 45 मिनट्स तक मेरा ड्रैगन का पावर अप ऑन रहेगा। तो अभी कूल डाउन पीरियड चालू हो गया, पता नहीं कूल डाउन क्यों दिखा रहा है। तो मैं अभी कुछ इस पावर अप को यूज़ करूँगा। लाइक अगर आप अपग्रेड करेंगे तो देखिएगा फ्री हो रहा है। फ्री क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना ड्रैगन पावर अप ऑन है। तो आपका 1.5 मिनट तक जितना आपके कंस्ट्रक्शन होंगे वो अपना ड्रैगन कर देगा आपके लिए। सो आप देख सकते हैं, लाइक दे आपका फ्री हो गया है 1.5 मिनट 2 मिनट, क्योंकि मैंने अपने ड्रैगन को थोड़ा और लेवल अप कर लिया था तो 2 मिनट तक हो गया। तो आप जितना ड्रैगन को बढ़ाएंगे उतना आपका होगा। सो ये था पहला ट्रिक, और इसको यूज़ करके आप अपने बिल्डिंग्स को फास्ट ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट है क्लास सिलेक्शन, जो कि हर बिगिनर के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि आप कौन सा क्लास चूज़ करें। तो अगर आप पहला क्लास ऑलवेज ट्राई कीजिएगा कि आप फार्मर सिलेक्ट करें, क्योंकि फार्मर के पास ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं, लाइक ही कैन गैदर मोर रिसोर्सेस, ही कैन प्रोटेक्ट मोर रिसोर्सेस एंड ही कैन मेक मोर रिसोर्सेस। लाइक आपका फार्मर, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एक ट्रेडर या आपके रेडर से ज़्यादा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपके फार्मर क्लास को सिलेक्ट करें तो आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, और ज़्यादा रिसोर्सेस होने का मतलब आप जल्दी ही आपके बिल्डिंग्स को अपग्रेड कर पाओगे। और नेक्स्ट जो है वो आपका एक टिप है, वो है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने बिल्डिंग को अपग्रेड कर लीजिए टिल C19। तो C19 पे आप अगर अपने कैसल को अपग्रेड कर लेंगे तो
तो आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज होगा जिससे आप जल्दी प्लेयर्स लोगों को अटैक कर पाओगे। और C19 के बाद आप रेडर बन जाइए, क्योंकि C19 के बाद थिंग्स स्लो हो जाते हैं, तो रिसोर्सेस आपको लोगों से छीन के ही लेना होगा, और रेडर वो काम बहुत अच्छा करता है, तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट है जो आपका फीस्ट, द फीस्ट का जितना सारा आपका मिशन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेस और पावर अप्स मिलेंगे जिससे आप फास्टर ग्रो कर पाओगे और आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो इसको आप जितना हो सके कंप्लीट कीजिए, और इस लॉग इन रिवॉर्ड को भी कलेक्ट कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिले। और नेक्स्ट है आपका आवाली चैलेंज, आप ट्राई कीजिएगा जितना हो सके आप आवाली चैलेंज को प्रोसीड कर पाए, तो इससे क्या होगा कि आप एक एडवांटेज में होंगे और आपको और ज़्यादा पावरअप्स मिलेंगे इससे, और आपको जिम्स भी मिलते हैं लाइक 100 जिम्स। तो इनिशियल लेवल पे इसको कंप्लीट करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे ये और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहले जितना हो सके आप डेली आवर्ली आप कंप्लीट कीजिए, वो आपके लिए एडवांटेज है। और नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको आपको माइंड में रखना है, आपके हीरोज। तो बिगिनर लोग बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं, लाइक आप अपने इस जो ब्लू लीजन है, ब्लू हीरोज है, उसको ज़्यादा डेवलप मत कीजिए, जस्ट बेसिक लेवल डेवलपमेंट कीजिए, और फोकस कीजिए अपने जो पर्पल या ऑरेंज हीरो है उसको ग्रो करने के लिए। तो आपके सबसे पावरफुल हीरोज जो होंगे वो है ऑरेंज हीरोज, ये सबसे पावरफुल हीरो है। और नेक्स्ट है आपके पर्पल, और लास्ट में सेकेंड लास्ट में है आपके ब्लू, और लास्ट में है आपके ग्रीन हीरोज। सो आपका फोकस हर वक्त ऑरेंज पे होगा, उसके बाद होगा आपके पर्पल पे, देन आपके ब्लू पे, क्योंकि विजडम मेडल जो है वो बहुत ही आपके लिए रेयर है और वो बहुत ही कॉस्टली है। अगर आप इन्हें परचेस में जाना चाहते हो तो आपको जो विजडम मेडल है उसको स्मार्टली यूज़ करना है। तो आप जितना हो सके अपने ऑरेंज और ब्लू लीजन पे ही स्पेंड कीजिए, और आप ब्लू में स्पेंड करने का अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉस्टली है, तो वेस्ट हो जाएगा पूरा। तो ये मिस्टेक मैंने भी किया था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सो इसको अवॉइड कीजिए। तो ये था जो बिगिनर्स के लिए, तो आप इसको लेके आप यूज़ कीजिए तो आपके लिए बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट है प्रोविंस क्वेस्ट, तो आप जितना हो सके आपका प्रोविंस क्वेस्ट को कंप्लीट कीजिए। मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये लास्ट है मेरा, लेकिन ये वाला ही लास्ट टिप है। सो आप जितना हो सके प्रोविंस क्वेस्ट को कंप्लीट कीजिए, कि प्रोविंस क्वेस्ट से आपको क्लास एडवांटेज मिलेगा। लाइक अगर आप क्लास मैनुअल को भरते जाओगे तो आपको एक टाइम पे ये फील्ड इम्प्रूवमेंट, लो बर्डन सपोर्ट, ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो जब ये सारे एक्टिव हो जाएंगे तो आप ज़्यादा रिसोर्सेस कलेक्ट कर पाओगे एक गैदरिंग में। तो इसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो मैं आज का शायद गैदरिंग के बाद मेरे को बहुत सारा मिल जाएगा, तो आज के बाद मैं कल को आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपको प्रोविंस क्वेस्ट करना है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके ग्रोथ के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको और भी ट्यूटोरियल्स शो करूंगा। थैंक यू अभी के लिए, और मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट माय पेज एंड सब्सक्राइब इट।